मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और पिछली क्लास में बेसिक और पहला क्वेश्चन, और उसमें 10 पार्ट थे, कंप्लीट करवाया था। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 7.1 के। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं वन बाय वन क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन सेकंड, बताया गया है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम टू द फॉलोइंग फंक्शन। कितने पार्ट हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन पार्ट हैं। तो आपको क्या करना है, रोल्स थ्योरम चेक करना है एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि यहां पे लिखा है डिस्कस, करवाते हैं भाई चेक। तो यहां पे लिख लो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और यहां पे लिख लेना है द गिवन फंक्शन। सभी स्टूडेंट लिख लो द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल 2 + x - 1 की होल पावर 2/3। इंटरवल लिख लो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 2। अब आपको चेक करना है ये जो फंक्शन है, जो 7 फंक्शन लिखवाए थे ना स्टेटमेंट में, उनमें से ये है या नहीं। आप बोलोगे नहीं है, तो फिर इसका नाम बताइए। नॉट पॉलीनोमियल है ये, क्या बोलेंगे, बहुपद नहीं है। कैसे पहचाना बहुपद नहीं है? x की पावर देख लो यहां पे ब्रैकेट की है 2/3। हमने आपको बताया है पॉलीनोमियल फंक्शन वही होते हैं जिसकी पावर 2 है, या फिर x प्लस 1 की होल पावर 5 है, या और भी बता देते हैं जैसे 2x - 9 की होल पावर 10 है, etc। पावर आपको पॉजिटिव देखना है वेरिएबल की, चाहे दो टर्म हो, होल पावर देख लो। बात करेंगे पॉलीनोमियल फंक्शन कब नहीं होता है, देख लो जब पावर फ्रैक्शन में हो तो पॉलीनोमियल नहीं होगा। बात करेंगे पावर नेगेटिव की हो तब पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं होगा। मतलब नेगेटिव और फ्रैक्शन में अगर मिल जाए पावर, चाहे सिंगल सिंगल टर्म की हो, चाहे आप ऐसे ले लो, तो मेरे प्यारे बच्चों पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में दिख जाए तो वो पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं होता है। पॉलीनोमियल फंक्शन की पहचान यही है, पावर पॉजिटिव होना चाहिए और वो भी न्यूमरेटर में हो, इसका डिनोमिनेटर ना हो, इतना ध्यान रखना है। अगर डिनोमिनेटर है तो ऐसे फ्रैक्शन में बन जाएगी, तो ये पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं है। तो आपको पूरी पूरी जानकारी है कि स्टेटमेंट में जो 7 फंक्शन लिखवाए थे, अगर उनमें से ना मिले, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, तब आपको 1/1 कंडीशन आपको चेक करना है। जो रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन है ना, 1/1 कंडीशन चेक करना है। उसमें भी हम आपको बता देंगे कि पहले कौन सी आपको चेक करना है। इसको रफ कर दें, रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है, 1/1 कंडीशन आपको चेक करना है, लेकिन पहले कौन सी चेक करना है, सेकंड वाली चेक करना है पहले। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है तब आपको फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन और चेक करना है, पहले सेकंड वाली आपको चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है तब आपको ये 2 चेक करना है बाद में। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होती है तो यहीं पे हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। और आपको पता सेकंड जो कंडीशन होती है वो डिफरेंशिएबिलिटी की होती है,
उसमें क्या होता है कि इंटरवल जो लिया जाता है ओपन लिया जाता है। पहली कंडीशन में क्लोज इंटरवल, सेकंड जो कंडीशन है ओपन इंटरवल, और ये जो थर्ड कंडीशन है एफ ए इक्वल एफ बी, ये रोलेस थ्योरम की कंडीशन है। तो ओपन इंटरवल पे काम करना है आपको, ऐसे एक्स की वैल्यू लेना है, इसके बिटवीन एक लेना है, मिलेंगी तो बहुत सारी, तो इसके बिटवीन एक उठा लो जो सुइटेबल आपको लगे। तो हमने उठा ली वन, क्योंकि इसके बिटवीन है और ओपन इंटरवल में काम होगा, सेकंड कंडीशन आपको पता ही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब आपको पता है डिफरेंसिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें आर एफ डैश की वैल्यू निकालना पड़ती है और एल एफ डैश की वैल्यू निकालना पड़ती है। अगर ये दो वैल्यू सेम आती हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी भी वैल्यू पे, अगर इन दो की वैल्यू सेम आती हैं। अगर इन दो की वैल्यू सेम नहीं आती हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, जो पॉइंट है वही तो एक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू वन मिली है, इस पे आपको चेक करना है कि वैल्यू इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, आर एच डी बोलते हैं। तो ऐसे करके लिखा जाता है, मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी वन है, ठीक है, फार्मूला याद होगा राइट हैंड डेरिवेटिव का, नहीं याद है तो प्ले लिस्ट में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी चैप्टर कंप्लीट आपको मिल जाएगा, वहां से आपको फार्मूला मिलेगा, तैयार करना है। अगर तैयार है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लिख देते हैं फार्मूला फटाफट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस का एफ वन अपान में एच, ये है फार्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब आपको इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इस वाले फंक्शन से निकालना है। तो 1 प्लस एच आपको पता है केवल और केवल वेरिएबल चेंज होता है, कांस्टेंट और साइन चेंज नहीं होते हैं। तो 2 और x के स्थान पे 1 प्लस एच रख दो, क्योंकि वेरिएबल चेंज होता ना वही चेंज होगा, बाकी तो ऐसे ही आपको छापना है। तो हमने छाप लिया, और इसकी होल पावर कितनी है 2/3 आपको लिख लेना है, समझते रहना, ठीक है। माइनस, अब बात करेंगे एफ वन की, रखो तो 2 + 1 - 1, जहाँ पे x है 1 डाल दो, जैसे ही हमने 1 डाल दिया तो इतना मिल गया, और 2/3 पावर है, ठीक है, अपान में मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर बात करें इसकी ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 2 + h की होल पावर 2/3, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये पावर इस पे आ जाएगी, यहाँ पर जीरो मिलेगा और यहाँ पे 2 + 0 2 ही रहा। आपको पूरी पूरी जानकारी है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्यों, एक रीजन होता है कि लिमिट की वैल्यू बाद में रखी जाती है, पहले लिमिट के बाद में जो लिखा है उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, सरलतम रूप में उसको कन्वर्ट करो, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। तो जब तक सॉल्व होता रहे करते रहो, बाद में लिमिट की वैल्यू रख देंगे। अब देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी 2/3 है, तो पावर ग्रेटर देखो किसकी है, इसकी ग्रेटर है 1, क्योंकि 2/3 1 से लेस है, तो ये 2/3 यहाँ पर आएगा नीचे, क्योंकि छोटी जो पावर होती है वो लेके जाते हैं बड़ी पावर के पास। तो हम क्या करेंगे, 1 में से इतना माइनस करेंगे, देखो 1 में से इतना माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 का 1 में इंटू करेंगे 3 - 2 इतना, ठीक है, तो 1/3। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम जीरो डालेंगे, जीरो की पावर चाहे जितनी हो, बट जीरो की पावर जीरो ना हो, जीरो की पावर चाहे जितनी हो बट जीरो की पावर जीरो ना हो, तो आंसर शीट क्या होती है, जीरो होती है।
ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे टीचर कहते हैं किसी की पावर जीरो हो ऑन द शीट क्या आती है, वन, किसी की पावर जीरो वन आती, लेकिन यहाँ पे जीरो की पावर हम आपको समझा रहे हैं, जीरो की पावर चाहे जितनी हो लेकिन आपको एक कंडीशन ध्यान रखना, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, बाकी सबकी होती है जो हमने आपको बताई, ठीक है। अब देखो ये इनफाइनाइट आ गया, अब बात करेंगे हम LF डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो ये तो नोट कर लो क्योंकि इसकी आंसर हीट पता चल गई, यहाँ पे लिख दें आपके लिए, यहाँ पे लिख देते हैं, भरोसा रखिए वन बाई वन क्वेश्चन समझ में आएगा, हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना है, हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आप बोलो ये तो सेम रहेगा, ठीक है इसे हटा दें, ठीक है। अब देखो जैसे ये कट गया, माइनस एच की होल पावर 2/3 है, तो क्या देगा, अगर ये पावर ऊपर वाले इसे दे दे तो ये प्लस बना देगा, ये कैसे देखो एच ऐसे ऐसे करके लिख लो, देखो ठीक है, क्यों पावर में पावर का इंटू होता है तो हम नीचे ले आए, अब ये क्या हो गया एच स्क्वायर, अब फिर वैसे वापस लिख दो जैसे लिखा था ना ऐसे, तो मतलब ये ही निकलेगा, ठीक है, नीचे माइनस करते रहो, ये क्लियर हुआ, इसको रफ कर दें, ओके। अब देखो यहाँ पे माइनस जीरो आंसर शीट क्या निकलेगी, माइनस इनफाइनाइट, तो इसकी माइनस इनफाइनाइट निकली और इसकी प्लस इनफाइनाइट, तो आंसर शीट तो अलग अलग है, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी रोलेस थ्योरम की, नॉट सेटिस्फाइड, बस लिख के छोड़ देना, उससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, सी की वैल्यू तभी निकलती है जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, समझ गए, सी की वैल्यू तभी निकलती है जब रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो सी की वैल्यू नहीं निकालते हैं, वहीं पे हम छोड़ देते हैं। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं, लिखो कैसे, दो लाइनें आपको लिखना है, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, ये लो रैपिड फायर भाई, रफ करने में ये रैपिड फायर चल रहा है, तो यहाँ पे लिख लो इफ आर एफ डैश वन की आंसर शीट इक्वल नहीं है एल एफ डैश वन के, देन देन एफ एक्स क्या हो गया इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल वन और ओपन इंटरवल 0,2। अब हैंस करके आपको लिख देना है, क्या लिखना है, सेकंड कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, सेकंड कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, यहीं तक आपको छोड़ देना है, सी की वैल्यू नहीं निकालना है, सी की वैल्यू तभी निकाली जाती है जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं रोलेस थ्योरम की, ये बात दिमाग में बसा लो, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सी की वैल्यू नहीं निकाली जाती है, ये कंप्लीट हो गया भाई, अब इसमें क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, लिख लो भाई यहाँ पे नंबर डाल दो सेकंड, और यहाँ पे क्या लिखना है, जो लिखा था ना फर्स्ट पार्ट में वही लिखना है, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके लिए कंडीशन बताई है इतनी, ठीक है, तीन माइनस का एक्स, इसके लिए कंडीशन बताई है इतनी, यही बताई है, तो बताओ इस प्रकार का फंक्शन स्टेटमेंट में लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, तो ये फंक्शन
नहीं है, मिला है स्टेटमेंट में जो सात फंक्शन लिखवाए थे उनमें से नहीं है। जब उनमें से नहीं है तो सेकंड कंडीशन पहले आपको चेक करना है, समझ गए। फिर बाद में जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तब आपको फर्स्ट और थर्ड कंडीशन और चेक करना है, पहले सेकंड। अगर सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी वाली क्या है नॉट सेटिस्फाइड है तो फिर वहीं पर छोड़ ही देते हैं, फिर आगे बात ही नहीं करते हैं। तो देख लो भाई, वैल्यू चाहिए एक्स की, और आपको पता है सेकंड जो कंडीशन होती है उसमें ओपन इंटरवल लिया जाता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है भाई। अब देखो जैसे इंटरवल की बात करेंगे 0 2, ठीक है, यहाँ से 0 पकड़ा यहाँ से 2, अब वैल्यू कौन सी लेना, वही ले लो ये वाली, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी में हमने आपको समझाया था कि मिडिल ब्रैकेट वाले अगर फंक्शन दिख जाए, अगर एक्स की वैल्यू नहीं है तो आपको एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कंडीशन से, जहाँ जहाँ पे इक्वल है वहीं से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यही समझाया था जब हमने चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी कंप्लीट किया था। तो अगर वहाँ से देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 3, लेकिन हमें पता ओपन इंटरवल पर काम होगा, तो ओपन इंटरवल पर काम होगा तो इसे छोड़ दो, बचा गया 1 ले लो, ठीक है। और चाहो तो बिलोंग्स टू कर लो ओपन इंटरवल 0,2 ऐसे करके, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, RHDE, क्या बोलेंगे RHDE, RF-1 फार्मूला याद ना हो तो याद कर लेना है, या 1+H - F1/H, ठीक है। तो लिमिट H→0, 1+H आपको पता है प्लस है तो x की तरफ देखती हो, ऐसी कौन सी इनक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है, ये ट्रिक हमने बताई थी जब क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर कंप्लीट करवाया था, यही ट्रिक बताई थी। प्लस है तो देखता हो, माइनस है तो ना देखता हो, तो प्लस है तो आपको पहले तो देखना है ये बन कहाँ कहाँ पर है, तो 2 जगह बन है। अब आपको देखना है ऐसी कौन सी इनक्वालिटी है जो एक्स की तरफ देख रही है, ये वाली देख रही है, ये नहीं देख रही है एक्स की तरफ, ये देख रही है, तो ये 1+H इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो देख लो 3- वेरिएबल चेंज कर दो 1+H, ठीक है। अब F1 इसकी वैल्यू इक्वल से निकालते हैं, यहाँ पर इक्वल है इसके सामने, तो 1² + 1, ठीक है ना, क्लियर हुआ, ओके, अपॉन में एच रख दो। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन लिखना है, लिमिट H→0, तो इसे हम क्या करेंगे 2 लिख देते हैं माइनस का एच, और यहाँ पे -2 आएगा, सॉल्व करेंगे अपॉन में एच। तो मेरे प्यारे बच्चों लिमिट H→0 सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 मिलेगा, तो आंसर शीट क्या मिली, -1। तो RF-1 की आंसर सीट हमको मिली है -1, ठीक है। इतना नोट करो, हम इसी में काम करते हैं, इसी में काम करेंगे LHD, ठीक है, केवल फार्मूले में यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब रफ करते हैं क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है, क्या हो गई है, कंडीशन चेंज हो गई है। अब बोलो माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हूँ, ऐसी कौन सी इनक्वालिटी है जो एक्स की तरफ नहीं देख रही है, ये वाली देख रही है तो ये इसमें लाई नहीं करेगा, यहाँ पर देखो ये इनक्वालिटी एक्स की तरफ नहीं देख रही तो ये इसमें लाई कर जाएगा, ये इसमें लाई कर जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी। चलो देखो लिमिट H→0, 1-H रख दो, 1-H^2+1, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसकी वैल्यू यहीं से निकलेगी तो डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि 1² + 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना, अपान में एच, ठीक है। लिमिट H→0 सिंप्लीफाई करोगे, ओपन करोगे, फिर ऐसे रखोगे, आपकी मर्जी है, ऐसे ही रखो, यहाँ से -1 अपान में एच। अब देखो फॉर्म बनेगी, लिमिट की वैल्यू डाल दो, जैसे डाली 1² 1, तो 1-1 ऊपर कितना मिल गया 0, और नीचे
जीरो फॉर्म बन गई, बन गई तो आपको पता ही एल हॉस्पिटल रूल लगाया जाता है। डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूमरेटर का अलग करना है, डिनोमिनेटर का अलग, वो भी एच के विद रिस्पेक्ट टू, एच के सापेज अवकलन करना, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया जाता है। टू आगे ले लो, वन पावर लेस कर लो, ठीक है। इसका अगेन करेंगे जीरो और इसका वन, और ये तो जीरो हो जाएगा ना, लिखो उसे, ये कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट की वैल्यू डाल दो। तो जैसे ही लिमिट की वैल्यू हमने डाली, यहाँ से टू मिला, यहाँ से कितना मिला टू, क्योंकि वन माइनस जीरो तो वन, टू का वन में तो टू, यहाँ से कितना मिला माइनस का वन, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस का टू मिला। तो आंसर शीट इसकी देखो और इसकी देखो, इक्वल है नहीं है, तो डिफ्रेंशिएबल नहीं फंक्शन है एट एक्स इक्वल वन पे। तो सेकेंड कंडीशन क्या हो गई, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको दो लाइनें लिखना है लास्ट में, बताते हैं कैसे लिखोगे। इसको रफ करेंगे, ठीक है, ये रफ हो गया, यहाँ पे लिखो इफ आर एफ डैश वन की वैल्यू इक्वल नहीं है एल एफ डैश वन के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल वन और बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, क्योंकि डिफरेंशिएबल में सेकेंड कंडीशन जो है ये ओपन इंटरवल की है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल पे एक्स इक्वल वन जो है बता दिया है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हैंस करके आपको लिख देना है, हैंस सेकेंड कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं है। अब यहीं पे छोड़ दो, सी की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी। सी की वैल्यू तभी निकाली जाती है जब तीनों कंडीशन रोलेस थ्योरम की सेटिस्फाइड होती हैं। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सी की वैल्यू नहीं निकाली जाती, ये फैक्ट्स है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जांपल में। चलो भाई नोट करो भाई, ये तो हो ही गया है, इसे रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड, यहाँ पे डाल दें थर्ड। अगर अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया है लाइक करो भाई, लाइक क्यों नहीं करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, आपका फर्ज है लाइक करो। मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, आपका जो काम है आप करिए। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा होता है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन मिलेगा रैपिड फायर की तरह। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो भाई, क्यों नहीं करते हो। थर्ड लिख लो, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज, ठीक है, एफ एक्स के इक्वल एक्स ई पावर फोर माइनस वन, इंटरवल लिख लो। अब बोलो इसका नाम, बोलो भाई इसका नाम बोलो, कौन सा ये है, फंक्शन का नाम बताओ जो हमने स्टेटमेंट में सात लिखा है तो उनमें से कोई है। अगर कोई है तो दो कंडीशन ऐसे ही छापी जाती हैं रोलेस थ्योरम की, और थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है भाई, एक्स की पावर देखो फोर है, पॉजिटिव में है, वो भी न्यूमरेटर में, तो ये पॉलिनोमियल है। तो सात फंक्शन जो लिखाए थे स्टेटमेंट में वो आपको दिमाग में रखना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो एग्जाम्पल की बात हो और चाहे क्वेश्चन की, गर्दा आप उड़ा ही सकते हो। तो ये आपको समझना है भाई, हम क्या कर रहे हैं। लिख लो, द गिवन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, चाहो तो यहाँ पे लिख लो फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर देन लिख लो देन, पॉलिनोमियल ये फंक्शन है, तो दो कंडीशन ऐसे ही छाप लो,
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन, इसमें क्लोज इंटरवल लिया जाता है कॉन्टिन्यूअस में, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन, इसमें ओपन इंटरवल लिया जाता है। अब थर्ड कंडीशन चेक कर लो भाई, यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप माइनस वन की वैल्यू निकालो, यहाँ पे रख दो माइनस वन की होल पावर फोर, माइनस वन सॉल्व करेंगे ये बन देगा और ये माइनस वन इक्वल जीरो। ये आप वन की वैल्यू निकालो क्योंकि बी की वैल्यू वन है, रख दो वन की पावर फोर माइनस वन इक्वल वन की पावर फोर, तो क्या देगा वन माइनस वन इक्वल जीरो। तो दोनों ही वैल्यू सेम निकली हैं, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है। दैट इज लिख लो एफ माइनस वन इक्वल एफ वन। अब आपको लिख देना है आल कंडीशन ऑफ रूल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाती हैं रूल्स थ्योरम की, तब क्या होता है सी की वैल्यू निकाली जाती है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला है, सी की वैल्यू निकालने के लिए कसम खाओ रूल्स थ्योरम में एफ डे सी इक्वल जीरो, ये याद रहेगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो, अब क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, एक साथ दो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक साथ कितने काम करना है दो। इसका डिफरेंशिएट भी करो और साथ में ये वाली सी भी रख दो। तो हम क्या करेंगे, फोर आगे आ गया और एक पावर कम हो गई और साथ में एक्स के स्थान पे सी भी रख दिया। इसका कॉन्स्टेंट का जीरो होगा, ना लिखो ये हुआ जीरो, सी की पावर थ्री जीरो के अपान फोर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जीरो पावर हटाएंगे, जीरो का क्यूब रूट निकालो घनमूल, जीरो आ गया। अब बताओ ये सी की वैल्यू जो निकली है इस इंटरवल में लाई कर रही है, ओपन इंटरवल में सी की वैल्यू ओपन इंटरवल में चेक करते हैं, ये लाई कर रही है, ये जीरो इसमें है, तो इसको हाईलाइट कर दूं, क्योंकि जिससे आपको नंबर मिलते हैं, जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर दो, समझ गए। तो दूर से दिखे सी की वैल्यू इतनी है, हाईलाइट कर दिया करो जिससे आपको नंबर मिलते हैं, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे संस्कृत की बात हो, चाहे और किसी की बात हो, समझ रहे, उसे हाईलाइट करो, इसको रफ कर दें। ओके नेक्स्ट थर्ड, यहाँ से इसको हम रफ करते हैं, अब बात करेंगे थर्ड। भाई देख लो, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स थ्योरम। एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये होता है एप्लीकेबल है या नहीं है, चेक करना है, डिस्कस भी लिखा है। तो देख लो फर्स्ट, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स के इक्वल लॉग, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का टू के अपॉन में थ्री एक्स, इंटरवल लिख लो एक्स बिलोंग्स टू वन कामा टू, ठीक है। हमने आपको बताया था रूल्स थ्योरम से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कसम खाओ कि दो वैल्यू हमको मिलेंगी क्वेश्चन में, एक तो एफ एक्स मिलेगा और एक क्लोज इंटरवल मिलेगा, समझ गए, ये फिक्स है। अगर रूल्स थ्योरम क्वेश्चन सॉल्व करो रूल्स थ्योरम से तो फंक्शन और इंटरवल आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो ये रहा फंक्शन, ये रहा इंटरवल। अब देखना है ये जो फंक्शन है स्टेटमेंट में कितने लिखाए थे, सात लिखाए थे, उनमें से है ये, आप बोलोगे है क्योंकि लॉग लॉगरिथमिक है ये फंक्शन, तो उनमें से अगर मिल जाए कोई एक तो आपको दो कंडीशन रूल्स थ्योरम की ऐसे ही छापना है, चेक नहीं करना है, थर्ड कंडीशन आपको चेक करना है, समझ गए। ओके तो यहाँ पे लिख लो द गिवन एफ एक्स इज
लॉगरिथमिक फंक्शन देन, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो दो कंडीशन आपको रोले थ्योरम की ऐसे ही छापना है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 2। सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 2। इसमें क्लोज इंटरवल लिखना है, इसमें ओपन, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब थर्ड कंडीशन आपको पता है, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। चलो भाई ये अब 1 निकालो, रखेंगे लॉग, यहाँ पे रखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन 3 × 1, समझ गए, इक्वल ऊपर कितना मिला 3 और नीचे 3, कैंसिल करेंगे लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अब निकालेंगे हम f2 की वैल्यू, रखो भाई लॉग, रखो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2 अपॉन में नीचे रखोगे 3 × 2, सॉल्व करोगे ऊपर कितना मिला 6 और नीचे 6, कैंसिल करोगे log 1 ही मिलेगा, log 1 की आंसर शीट क्या रहेगी, 0। तो दोनों की आंसर शीट सेम निकली है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है। तो दैट इज लिख दो f1 के इक्वल है f2, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो c की वैल्यू निकालना पड़ती है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। ऑल कंडीशन ऑफ रूल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हो गई सेटिस्फाइड, तो ये फार्मूला होता है सी की वैल्यू निकालने के लिए। चलो इतना नोट करो जल्दी, अब इसको रफ करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं। चलो भाई डिफ्रेंशिएट करो और साथ में एक्स के स्थान पे सी भी रख देना, दो काम आपको करना है एक साथ। लॉग का क्या होता है, बनापान होता है, हमने बनापान लिख दिया, जो भी मटेरियल है लिख दो, तो एक्स के स्थान पे सी भी आपको रख देना है, ठीक है, 4c हो गया लॉग का बनापान। फिर आपको दोबारा करना है डिफ्रेंशिएट, किसका करना है, एक्स स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन में 3c, ठीक है, और इक्वल में क्या रहेगा, 0, ये चल रहा है। अब ये ऊपर लेके चलो 4c अपॉन c स्क्वायर प्लस का 3, अब यहाँ पे आ जाओ, ये 1 अपॉन 3 ऐसे कर लो, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम वापस दे दो, तो सी स्क्वायर के बटे लिख दो और 2 के अपॉन c लिख दो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा रूल, अगर आप एलसीएम वापस दे देते हो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, अंश बटे हर का जो अवकलन में फार्मूला याद किया था, ठीक है। अब देखो कुछ होगा कैंसिल या नहीं होगा, बताओ, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है क्या, ये वाला लिख दिया था 4, अरे भाई क्या कर रहे हो, 3 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, 3 से 3 कट गया, तो सी के अपॉन सी स्क्वायर प्लस का 3, डी अपॉन डी सी, तो यहाँ पे सी मिल जाएगा और 2 अपॉन c मिल जाएगी, इक्वल 0, तो इसे ऐसे रखो सी स्क्वायर प्लस का 3, डिफ्रेंशिएट करो इसका 1, इसका 1 अपॉन c का, -1 अपॉन c² होता है, इक्वल 0। चलो इतना नोट करो, अब देखो यहाँ पे सी के अपॉन सी स्क्वायर प्लस का 3 एलसीएम ले लो, सी स्क्वायर इसका इसमें इंटू करो सी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल 0, नीचे वाला जितना मटेरियल है वो 0 हो जाएगा क्रॉस इंटू करने पर, तो ऊपर वाला बचेगा, क्या बचेगा, ऊपर वाला, अलग अलग 0 कर लो, इसके करेंगे 0 देगा, इसके करेंगे प्लस माइनस √2 देगा। कहने का मेरा ये मतलब है सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई, 1 0 मिल गई, 1 प्लस मिल गई और 1 माइनस मिल गई। अब बोलो कौन सी वैल्यू छोड़ी जाएगी, कौन सी वैल्यू पकड़ी जाएगी, जो वैल्यू ओपन इंटरवल में है वही आपको पकड़ लेना है। तो अगर ओपन इंटरवल की बात करें, ये है 1, 2, तो भाई 1, 2
इसे कैंसिल कर लो क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव इंटरवल तो है नहीं, तो ये पहले इस क्रॉस कर दो। अब जीरो इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वन से पहले जीरो होता है, ये भी नहीं मिला। सी इक्वल ये मिल जाएगा रूट टू, क्योंकि रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो 1.414 इसके बिटवीन नहीं वैल्यू दिख रही है, तो ये बिलोंग करेगा, जो बिलोंग कर जाए उसी को लिखना है। ठीक है, नोट करो भाई, ये कंप्लीट हो गया, जल्दी नोट करो। और जैसा ये वाला है ना पहला, वैसे ही सेकंड है, ऐसे ही होगा सॉल्व। ठीक है, द गिवन फंक्शन लिख लो, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये सेकंड डाल लो, सेम टू सेम लगाओ, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स के इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 3/4x, यही है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3/4x, इंटरवल लिख लो 1,3। ठीक है, अब बताओ ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो स्टेटमेंट में जो 7 लिखाए थे उनमें से ये है, तो आपको पता है उनमें से अगर ये है तो दो कंडीशन ऐसे ही छाप लेते हैं रोल्स थ्योरम की, थर्ड कंडीशन चेक होती है। तो लिख लो यहाँ पे, द गिवन एफ एक्स इज लॉग अर्थमिक फंक्शन, लॉग अर्थमिक फंक्शन, देन फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूअस की होती है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1,3, तो इसमें क्लोज इंटरवल लिया जाता है और इस वाले में ओपन इंटरवल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड कंडीशन देख लो, ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और ये बी की वैल्यू दे देगा, तो एफ वन की वैल्यू निकालो, रखो लॉग ऊपर 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे, ठीक है, 3/4 मिलेगा ना, 4 बन जा 4, तो ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल करेंगे तो लॉग वन की वैल्यू 0 होती है। अब एफ थ्री इसकी वैल्यू निकालो, रख दो log 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3/ यहाँ पे रखो 3, 4 × 3, ऊपर कितना मिल गया 12, तो log 12 के upon 12 कैंसिल कर लो, तो log 1 ही मिलेगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इन दो की आंसर सेम आई है, तो लिख लो यहाँ पे एफ 1 की आंसर शीट इक्वल है एफ 3 के, तो यहाँ पे लिख लो ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड हैं तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की, तो सी की वैल्यू निकाली जाती है। निकालो भाई सी की वैल्यू, इसको रफ कर दें, फार्मूला तो आपको पता ही है, नोट करते रहा करो, इतना टाइम नहीं होता है कि आपको अलग से दें कि नोट करो, इतना टाइम कहाँ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला। ठीक है, एफ डैश सी इक्वल 0, डिफ्रेंशिएट करो, लॉग का कितना होता है 1/5, जो भी मटेरियल है 1/5 लिख दो, तो सी स्क्वायर प्लस का 3/4 सी, समझ गए, हमने बताया एक साथ आपको दो काम करना है, डिफ्रेंशिएट भी करना है और एक्स के स्थान पे सी भी आपको रखना है, तो सी स्क्वायर प्लस 3/4 सी, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना है सी स्क्वायर प्लस का 3/4 सी, यही है सी स्क्वायर प्लस 3/4 सी, इसे नीचे वाला ऊपर लेके चलो, ये चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 ले लो और एलसीएम वापस कर दो, सी स्क्वायर के 1/4 सी और इक्वल 0 लिखते रहो क्योंकि ये 0 है। ठीक है, तो प्लस का 3/4 सी इक्वल 0, एलसीएम वापस दे दिया, ये कट गया, ये 4 से 4 चला गया, तो सी के 1/4 सी स्क्वायर प्लस का 3 यहाँ पे, और सिंप्लीफाई करो 1 यहाँ पे कितना मिला सी और इसका 3/4 सी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके सी की वैल्यू निकाल लो,
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे रखो सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का थ्री, यहाँ पे आ जाओ, इसका वन, इसका वन अपॉन सी का क्या होता है माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर, तो इतना आ गया इक्वल जीरो। ठीक है, ऊपर का ऊपर ले लो सी, एलसीएम ले लो, तो सी स्क्वायर माइनस का थ्री, नीचे सी स्क्वायर और ये वाला सी स्क्वायर प्लस का थ्री, ठीक है, इतना मिलेगा सिंप्लीफाई करने पर। क्रॉस इंटू करो जीरो हटाओ उसे, तो सी सी स्क्वायर माइनस का थ्री इक्वल जीरो, तो सी की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से जीरो निकली, यहाँ से प्लस माइनस रूट थ्री, ठीक है, पावर हटेगी रूट आएगा ना, तो सी की वैल्यू जीरो रूट थ्री और निगेटिव का रूट थ्री। तो बताओ ओपन इंटरवल में देख लो, वन कामा थ्री में लाई करेग, कौन सी करेग वन कामा थ्री में लाई, तो निगेटिव वाला पहले ही काट दो क्योंकि निगेटिव इंटरवल नहीं है, तो ये तो पहले से काट दो। अब जीरो इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, यही मिलेगा क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.7321, फिर आगे जीरो जीरो, तो इतनी मिलेगी। तो सी इक्वल इसमें लाई कर रहा है, रूट थ्री रख दो, लाई कर रहा है, रख दो वन कामा थ्री, ठीक है, इसको रफ कर दें, नोट करो भाई जल्दी। अब नेक्स्ट उसका उड़वाते हैं गर्दा, तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, पेपर में नहीं बवाल होगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये लो रफ हो गया, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा है, अब एग्जांपल चलेगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एग्जांपल फर्स्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एग्जांपल फर्स्ट की, इसमें भी कई एक पार्ट है, लिख लो पहले, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज, तो फंक्शन लिख लो, एफ एक्स इक्वल क्या है, एफ एक्स इक्वल है मेरे पास टेन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, यही है इंटरवल वो रहा, हमने बताया था, चाहे क्वेश्चन की बात करो चाहे एग्जांपल की, आपको फंक्शन और इंटरवल मिलेगा, तो मिल गया भाई, फंक्शन मिल गया और इंटरवल मिल गया, एक्स बिलोंग्स टू जीरो कामा टेन, भाई अब बताओ इसका नाम पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो सात जो फंक्शन लिखाए थे उनमें से है, आप बोलोगे है, तो दो कंडीशन ऐसे ही छाप लो रोलेस थ्योरम की, तो यहाँ पे लिखो द गिवन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, अब यहाँ पे लिखो देन, देन के बाद में पहली कंडीशन छाप लो, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0, 10, पहली कंडीशन में क्लोज इंटरवल और सेकंड कंडीशन में ओपन इंटरवल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0, 10। अब थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, एफ ए इक्वल एफ बी, ए की वैल्यू देख लो, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी, एफ जीरो की वैल्यू निकालो, यहाँ पे रख दो 10 × 0 माइनस जीरो का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो कितना हुआ जीरो, ठीक है, नेक्स्ट लाइन वी की वैल्यू 10 है, 10 रख दो, यहाँ पे रखो 10 × 10 और माइनस का 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता 100 और इसका इसका 100 इक्वल जीरो, तो दोनों की आंसर क्या निकली, सेम निकली, लिख दो दैट इज एफ जीरो के इक्वल एफ 10 है, तो तीनों कंडीशन रोलेस थ्योरम की क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गई ना, तो आपको लिख देना है, फिर उसके बाद सी की वैल्यू निकाल देना है, इतना काम करो, तो यहाँ पे लिख लो आल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड हो गए ना, तो फार्मूला देख लो, एफ डे सी इक्वल जीरो, यही होता है, चलो भाई डिफ्रेंशिएट करो, तो दो काम करना है एक साथ, डिफ्रेंशिएट भी करना है और एक्स के स्थान पे सी का मान भी रखना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 10 मिलेगा, फिर माइनस 2x मिलेगा, तो 2c इक्वल जीरो, सी की वैल्यू निकालो, तो 2c इक्वल 10 हुआ, c इक्वल 10/2, 2 × 5 = 10, अब सी की वैल्यू देख लो, ये 5 बिलोंग करेगी 0, 10 में करेगी, तो हाईलाइट कर दो, क्योंकि जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, ओके भाई।
इसको रफ करके नेक्स्ट सेकंड वाला देख लो, इसका भी उड़ाएंगे गर्दा। तो सेकंड यहाँ पे डाल दो भाई, और आपको पता है, आपको क्या पता है कि फंक्शन मिलेगा और इंटरवल मिलेगा। तो द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स के इक्वल लिख लो, क्या है एक्स की पावर 3 और कितना है 1 माइनस एक्स की पावर 6 होल पावर 20, यही है। अब इंटरवल लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, यही इंटरवल है। ये पॉलीनोमियल फंक्शन है, पॉलीनोमियल क्यों है, इस पे पावर यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया भाई। अरे भाई वो 0 कौन सा है, अरे भाई बिंदी वाला आ गया, ये इन लिखा है, इनका है, इनका है, तो इनका है तो दो ही है एक्स क्यू और 1 माइनस एक्स की पावर 6, ठीक है। अब बताओ ये 3 ये 2 पॉलीनोमियल है, तो पॉलीनोमियल है, दो कंडीशन छाप लो रोल्स थ्योरम के। तो पहले लिख लो द गिवन एफ एक्स इज पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल फंक्शन, अगर पॉलीनोमियल फंक्शन बोलेंगे तो आपको पता है देन नंबर फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0, 1, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन आपको चेक करना है, यहाँ से a मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया v, ठीक है। f 0 की आंसर ही निकालो, रखो भाई यहाँ पे 0 की पावर 3 तो 0, 1 माइनस यहाँ पे 0 की पावर 6 0, सॉल्व करेंगे 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब निकालेंगे f 1 की, निकालो भाई f 1, रखो 1 का क्यूब 1, यहाँ पे रखो 1 माइनस 1 का 1 की पावर 6 तो 1, सॉल्व करेंगे यहाँ से 0 टोटल 0, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, f 0 की वैल्यू इक्वल है f 1 के, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो यहाँ पे लिख लो आल कंडीशन, आल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड अगर हो गई है तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की, तो सी की वैल्यू निकाली जाती है। तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, चलो भाई फार्मूला यूज करके डिफ्रेंशिएट करना है और एक साथ दो काम करना है, एक साथ कितने काम करना है, दो काम करना है, डिफ्रेंशिएट भी करना है और एक सी स्थान पे सी और रखना है। तो देख लो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लगा लो, ये क्या लगा लो, फर्स्ट को ऐसे ही रखो मतलब सी की वो ऐसे ही रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएट पावर 2 आगे करके 1 पावर लेस कर लो, 2 आगे 1 पावर लेस कर ली, और इसका अगेन करना है तो 0 माइनस 6 सी की पावर 5, ठीक है ना, ओके। प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो, सेकंड क्या है 1 माइनस सी की पावर 6, ठीक है, ये सेकंड को ऐसे रखा। अब फर्स्ट का कर लो 3c स्क्वायर इक्वल 0, अब ये सही है, सेकंड को ऐसे ही रखा था, केवल फर्स्ट का डिफरेंशिएट किया। अब देखो कॉमन ले लो, पहले कॉमन 1 माइनस सी की पावर 6 मिल गई हमने, मिल गई इतनी, और कुछ मिला c की पावर 3 यहाँ पे c स्क्वायर, तो c स्क्वायर मिल गया। वैसे भी कॉमन लेते हैं तो लेस पावर कॉमन ली जाती है, और कुछ मिला, और कुछ मिला, और कुछ मिला हो तो ले लो भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ से 3 मिल जाएगा, मिल जाएगा 3, ठीक है। ये 2 ऐसे रखो, यहाँ पे एक पावर बच जाएगी ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि ये आ गया और यहाँ से 2 पावर सी 2 से, यहाँ पे माइनस आगे लगा लो, माइनस क्या करो आगे लगा लो, यहाँ से ऐसे रखो भाई, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, तो सी की पावर कितनी होगी 6 लिख लो, क्योंकि एक पावर इसकी बचेगी और 5 इसकी, तो 6 हो गए, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो इतना ही मिलेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस 3c स्क्वायर 1 माइनस सी की होल पावर 6, एक पावर कॉमन ले ली, एक बचेगी, 3c स्क्वायर चला आया इक्वल 0, ठीक है। अब देखो 3c
स्क्वायर वन माइनस सी की पावर सिक्स, यहाँ पे कितना मिला, वन ऐसे रखो पाँच हो गया, चार और एक पाँच, सी की होल पावर सिक्स। चलो वैल्यू निकालो, अगर यहाँ से वैल्यू निकालें सी की, क्योंकि ये तो थ्री तो इसके नीचे लिख दो, क्योंकि कॉन्स्टेंट से हमें मतलब ही नहीं है। जीरो के अपान थ्री लिखोगे जीरो, अब देखो सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ से जीरो मिल जाए, यहाँ से वन मिल जाए, क्योंकि वन को उस साइड लेके जाएंगे, पावर हटाएंगे वन अपान सिक्स, तो वन अपान सिक्स वन निकलेगा, यहाँ पे आ जाओ तो वन अपान फाइव, ठीक है, और होल पावर कितनी आएगी, वन अपान सिक्स, इतनी तो आएगी ना पावर, फ्रैक्शन में पहुँच जाती है। अब इसको रफ करेंगे, अब देखो आंसर शीट कौन सी मैच कर रही है, पहले लिख दें सही, जीरो कामा वन और वन अपान फाइव की पावर वन अपान सिक्स, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिखो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसे लिखो। अब देखो ओपन इंटरवल इसका देख लो, यही है क्लोज है ओपन, बताओ जीरो कामा वन, अब जीरो कामा वन में ये तो बाउंड्री पर मिल गए, और ओपन इंटरवल में क्या होता, बाउंड्री वाली वैल्यू नहीं ली जाती है, बिटवीन ली जाती, तो एक ये बची यही लाई करेगी वन अपान फाइव की पावर इतनी, ठीक है, जीरो कामा वन, हाईलाइट कर दो, क्या कर दो, हाईलाइट, जिससे आपको नंबर मिले उसे हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया जल्दी, रैपिड फायर, रैपिड फायर थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला यहाँ पे नंबर डाल दो, यहाँ पे क्या डाल दो, नंबर, और यहाँ पे क्या लिख लो, द गिवन फंक्शन, सभी स्टूडेंट लिख लो द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का थ्री होल पावर इतनी, और इंटरवल लिख लो एक्स बिलोंग्स टू माइनस का थ्री का वन, ठीक है। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है एक्सपोनेंशियल भी साथ में, तो दोनों मिल गए, वो साथ जो लिखाए थे ना उनमें से है ये, तो है, तो दो कंडीशन आपको ऐसे ही छापनी है, थर्ड कंडीशन आपको चेक करना है रोल्स थ्योरम की, ठीक है। द गिवन लिख लो, द गिवन एफ एक्स इज पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पॉलीनोमियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन नंबर फर्स्ट, ऐसे लिख लो दो कंडीशन, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस का थ्री का वन, ठीक है। सेकंड कंडीशन देख लो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस का थ्री का वन, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन देख लो, ये इसकी ए मिल गई और इसकी क्या मिल गई, बी मिल गई, तो एफ माइनस थ्री निकाल लो, रखो यहाँ पे नाइन माइनस सिक्स माइनस का, ठीक है, नाइन में से नाइन जाएगा, पहले इसे रख लो माइनस का थ्री, और सॉल्व करोगे जीरो मिलेगा, देखो नाइन माइनस नाइन तो जीरो, और ई की पावर में माइनस थ्री है, इंटू करोगे जीरो का जीरो मिल जाएगा। अब रखो ये वाला वन, जैसे ही वन डाला यहाँ पे, वन का स्क्वायर वन प्लस यहाँ पे डालो वन टू माइनस का थ्री ई की पावर वन, अब देखो थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो का इंटू ई में करेंगे जीरो तो मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल है ना, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तीनों कंडीशन हो गए सेटिस्फाइड, तो आपको लिख देना है आल कंडीशन, आल कंडीशन ऑफ रूल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, आर सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड हैं तो आपको सी की वैल्यू निकालना है। चलो भाई फार्मूला लगाएंगे, नोट करो जल्दी नोट करो, अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है, सी की वैल्यू निकालने के लिए यही होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा। देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखो, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस का टू सी माइनस थ्री ई की पावर, ठीक है, सेकंड का हो गया डिफरेंस, अब सेकंड को ऐसे ही रखो, फर्स्ट का करो,
टू सी प्लस का टू, और इसका जीरो हो जाएगा ना लिखो। हमने बताया था कि डिफ्रेंशिएट तो करना है, एक साथ दो काम करना है, डिफ्रेंशिएट भी करना है और साथ में एक्स के स्थान पर सी भी रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ई की पावर सी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस का टू सी माइनस का थ्री, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का टू सी प्लस का टू इक्वल जीरो, तो ई की पावर सी यहाँ पे आ जाओ, सी स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया फोर सी, यहाँ पे माइनस वन इक्वल जीरो। अब ई की पावर सी इक्वल जीरो करते हैं तो ये देता है इनफाइनाइट, सी की वैल्यू क्या देख इनफाइनाइट, तो सी इक्वल लॉग जीरो बन जाएगा क्योंकि ई उस साइड जाएगा लॉग जीरो, इसकी वैल्यू ये होती है। ये तो लेंगे नहीं क्योंकि इंटरवल में माइनस थ्री कमा वन के बिटवीन चाहिए, तो ये तो बाहर हो गई ना। अब यहाँ से देख लो, फैक्टर कर लो, सी स्क्वायर प्लस का फोर सी माइनस का वन, फैक्टर नहीं हो रहा है तो अप्लाई डीसी रूल लगाओ, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, सी इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान में टू ए, तो सी इक्वल माइनस यहाँ से रखो फोर हो जाएगा, यहाँ से रखो सिक्सटीन हो जाएगा, फोर ए सी ए और सी मतलब माइनस वन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, अपान में टू इंटू ए की वैल्यू वन है, तो सी की वैल्यू क्या निकली माइनस का फोर प्लस माइनस बीस। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, चलो भाई इतना नोट कर लिया। अब आगे क्वाड्रेटिक लगाना, जब फैक्टर ना हो, जब फैक्टर ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बोलते हैं श्री धराचार्य। तो सी की वैल्यू माइनस का फोर प्लस माइनस ट्वेंटी को निकालो बाहर, टू रूट फाइव ये निकले, काट के देख लो, टू फाइव या टेन, फाइव जिसका जोड़ा बने उसे बाहर, जिसका ना बने उसे अंदर कर लो, ठीक है। अपान में क्या है टू, टू से कैंसिल कर लो, इतना मिला। अब बोलो, जैसे अगर हम आपसे बोलें एक दफ़ा प्लस ले लो और एक दफ़ा माइनस ले लो, अब देखो कौन सा लाई करेगा। जैसे अगर फाइव की बात करें, इसकी वैल्यू निकालो रूट फाइव की, तो टू टू जा फोर, वन बचा यहाँ पे चार हो गए, टू पॉइंट मतलब दशमलव लगाया, डेसिमल यूज किया, तो आपको दो जीरो बढ़ाना है, तो कई बार जाएगा तीन बार नहीं दो बार जाएगा, ठीक है इतना ही ले लो, टू पॉइंट मतलब एक रफ वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है रफ वर्क। जैसे माइनस टू प्लस का इसकी वैल्यू रख दो टू पॉइंट टू, मतलब कुछ मिलेगा, ये ग्रेटर है ये लेस है, तो प्लस की जीरो पॉइंट टू मिल गई। अब ये आ जाओ माइनस का टू माइनस का टू पॉइंट टू कितना मिल गया, प्लस करेंगे ये माइनस किया हमने और ये प्लस करेंगे माइनस का फोर पॉइंट टू। अब देखो कौन सी वैल्यू इंटरवल में लाई कर रही है, थ्री काम वन में कौन सी कर रही है, माइनस थ्री कामा वन, तो ये तो बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई क्योंकि माइनस थ्री से इधर मिलेगी, ये बाहर निकल गई, ये लाई करेगी, ये लाई करेगी प्लस वाला देख लो, ये वाला लाई करेगी, तो माइनस का टू प्लस का रूट फाइव ये लाई नहीं करेगी, ठीक है। तो लिख दो माइनस का थ्री का वन, अब हाईलाइट कर देना है क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं उसे आपको हाईलाइट करना ही करना है। अब आपको सेकेंड एग्जाम्पल देख लेना है, यहाँ पर बताया गया है वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम, आपको चेक करना है किस किस फंक्शन पर रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल है और किस पर नहीं है। तीन फंक्शन है यहाँ पे, तो पहले पार्ट में पहला फंक्शन लिख लेना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल फर्स्ट टर्म है टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और माइनस का टू। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर फंक्शन तो मिला है लेकिन इंटरवल नहीं मिला है, तो जिस पार्ट में या फिर क्वेश्चन में या फिर एग्जांपल में फंक्शन मिलता है
और इंटरवल ना मिले तब आपको इंटरवल निकालना है। कैसे, देखो हम आपको बता देते हैं। बात करेंगे हम क्लास नाइन्थ की। आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होता है, शेषफल निकाला जाता है। रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकाला जाता है, शेषफल। यहां पर हमको चाहिए जीरो, तो यक्ष की वैल्यू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, यहां पे रूट भी ले लो, ठीक है। फिर आप टू ले लो प्लस माइनस, ठीक है, रूट ले लो प्लस माइनस थ्री, ऐसे करके बता देते हैं अभी, प्लस माइनस थ्री फिर डॉट डॉट डॉट। जैसे वैल्यू मिलती थी, क्लास नाइन्थ की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में एक्स वैल्यू मिलती थी, हम रख देते थे फंक्शन में, तो शेषफल निकल आता था, कुछ भी निकले, फाइव टू थ्री माइनस का फोर। लेकिन यहाँ पर आपको जीरो चाहिए, इंटरवल निकालने के लिए हमको शेषफल जीरो चाहिए। अब देखो कौन सी वैल्यू रखोगे यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम जीरो रखेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये बच जाएगा, शेषफल जीरो नहीं आएगा, इसे हटा दूँ। वन रखेंगे, प्लस का ले लो वन पहले, तो यहाँ से टू मिला, यहाँ से वन मिला, यहाँ से फोर मिला, माइनस का टू मिला। मेरे प्यारे बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का थ्री मिलेगा, मतलब नॉट इक्वल जीरो। तो वन पे नहीं मिला, अब माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन रखेंगे माइनस टू मिलेगा, यहाँ पे प्लस वन रखेंगे यहाँ पे प्लस का फोर हो जाएगा, माइनस वन रखेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कितना मिलेगा, फोर प्लस का ये फोर निगेटिव, कैंसिल वन, नॉट इक्वल जीरो, तो मतलब ये भी नहीं मिला। अब आपको रूट टू रखना है, जब रखेंगे रूट टू तो आपको पता है कि टू रूट टू की होल पावर थ्री, यहाँ पे रूट टू रखेंगे तो टू मिलेगा, यहाँ पे रूट टू रखेंगे फोर रूट टू मिलेगा, और माइनस टू सिंप्लीफाई करो तो दो पावर क्या देगा, दो दे देगा, चार हो गया, एक बचेगी पावर, ऐसे लिख लो और ये कैंसिल कर लो, और ये बचा है माइनस का फोर रूट टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो जीरो, मतलब रूट टू पे हमको जीरो मिला है, ठीक है। तो माइनस का रूट टू और रख के देख लो, माइनस का रूट टू और रख के देख लो, मिल जाएगा तो हमको इंटरवल पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे रखेंगे माइनस का रूट टू एक्स के स्थान पे, क्यों पावर थ्री है, निगेटिव छोड़ेगा, तो दो पावर रूट टू पे रखेंगे तो टू देगा, फोर हो गया, वन पावर बचेगी ना तो रूट टू लिख दो, यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का ही दो आएगा ना, माइनस रूट टू का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का फोर रूट टू माइनस का टू, ये कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया, मतलब शेषफल हमें मिला है इस पे और इस पे, और भी वैल्यू पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस रूट टू और रूट टू के बिटवीन जो भी वैल्यू है, ध्यान से समझना है, जैसे माइनस का रूट टू और रूट टू पे शेषफल मिल गया जीरो, तो हमको ये इंटरवल पता चल गया क्लोज। ओपन की अगर बात करें, चाहे क्लोज की बात करें, क्योंकि दोनों वैल्यू ली जाती हैं बिटवीन, तो अगर इसके बिटवीन वैल्यू लें तो भी शेषफल जीरो अगर आ जाए तो ठीक है। और भी वैल्यू तो मिल जाती हैं, क्लास नाइन्थ में आपने ये कंप्लीट की है शेषफल फिर में, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू जो मिलेंगी इसके बिटवीन मिलेंगे, इसके आउट नहीं मिलेंगी, ठीक है, जिससे ये जीरो हो पाए, ये फिक्स है, इससे आउट नहीं मिलेगा। तो इंटरवल पता चल गया, ऐसे करके आपको इंटरवल पता करना है। जिस क्वेश्चन में या फिर जिस एग्जांपल में फंक्शन मिल जाए, अगर इंटरवल ना मिले, जैसा प्रोसेस बताया ना वैसा ही काम करना है। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं, इंटरवल हमको पता चल गया, माइनस का रूट टू कामा रूट टू, ठीक है। अब वही काम करेंगे जो करते हैं, ये फंक्शन देखेंगे जो सात लिखवाए ना स्टेटमेंट में, अगर उनमें से ये है तो दो कंडीशन ऐसे ही आपको छापना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और दो जो थर्ड कंडीशन है उसको चेक करेंगे। तो ये पॉलीनोमियल है भाई, यहाँ पे पावर पॉजिटिव दिख रही, यहाँ पे पावर पॉजिटिव दिख रही, यहाँ पे दिख रही है एक्स की, तो पॉलीनोमियल है, तो लिख लो यहाँ पे द गिवन एफ एक्स
इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, और यहाँ पे लिख लो देन नंबर। पहली कंडीशन ऐसे ही छापना है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस का रूट टू कामा रूट टू, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस का रूट टू कामा रूट टू। इसमें ओपन इंटरवल लिया जाता है और इस वाले में क्लोज इंटरवल लिया जाता है, ठीक है। थर्ड में आपको चेक करना है, यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, एफ माइनस का रूट टू। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले ही निकाल चुके हैं जीरो, क्योंकि जब हम इंटरवल निकाला था ना तो हमको पहले ही पता है इसकी वैल्यू जीरो थी, तो यहाँ पे रख दो, ठीक है, डायरेक्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों की आंसर रेट क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये जो थर्ड कंडीशन है ये भी वेरीफाई हो गई। तो तीनों ही कंडीशन रोलेस थ्योरम की क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। आपको लिख देना ऑल कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। जब तीनों ही कंडीशन रोलेस थ्योरम की सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब आपको पूरी पूरी जानकारी है कि सी का मान निकाला जाता है। तो उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है और एक्स के स्थान पे सी भी रखना है। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट तो आता है ना, दिक्कत नहीं आएगी। इसका करो डिफरेंशिएट, सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा ना, सी कर लो। एक साथ आपको दो काम करना है, डिफरेंशिएट भी करना है और एक्स के स्थान पे सी भी रखना है, ठीक है। प्लस का कितना आएगा, 2x आएगा, तो 2c कर लिया। फिर माइनस का 4 आएगा, फिर 0 आएगा, ना लिखो, ठीक है। यहाँ से 2 का डिवाइड लगा दो, 2 का क्या कर दो, डिवाइड लगा दो। अब बताओ फैक्टर हो जाएंगे, 3 2 6 हो जाएंगे, 3c माइनस का 2c, ठीक है, ये मिल जाएगा बिटवीन। कामन ले लो 3c, तो c प्लस का 1 माइनस का 2, c प्लस 1 फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, c प्लस 1 3c माइनस का 2 इक्वल 0। तो c की वैल्यू क्या निकली, माइनस 1, और यहाँ से 2/3। अब बताओ ओपन इंटरवल में कौन सी वैल्यू लाई करेगी, कौन सी नहीं करेगी, या फिर दोनों कर जाएंगी, ये तो आपको पता ही है 1.414 होता है नेगेटिव, और इसका भी ये लिख लो 1.414 होता है, 1.414, ठीक है, 1.414। अब देखो, अब माइनस कर लो, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस वन है, इसके बिटवीन लाई कर रही है, बिटवीन चाहिए ओपन इंटरवल में, क्या चाहिए, बिटवीन चाहिए। देख लो, बताते हैं, इसे अगर नहीं समझ पा रहे हो तो लाइन से कर लो, हम तो डायरेक्ट बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो ये किधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, और ये किधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है पीछे, तो इसे हम पकड़ सकते हैं। भाई अगर ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है तो ये भी लिया जाएगा, समझ गए, तो ये मिल गया है इस इंटरवल में। अब इसका देख लो 0.6, तो 0.6 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये दोनों ही इसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस 1 और 2/3 हाईलाइट कर दो, क्योंकि जिससे आपको नंबर मिले उसे हाईलाइट कर दो। कंप्लीट हो गया, नोट करो, दोनों ही वैल्यू लाई कर रही हैं, चलो नोट करो जल्दी। अब नेक्स्ट इसको रफ कर दें,
ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड लिख लो, यहाँ पे ये लिख लो फंक्शन द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स के इक्वल एक्स इंटू में एक्स प्लस थ्री की होल पावर कुछ नहीं है, e की पावर में इतना है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरवल मिला है x बिलोंग्स टू माइनस थ्री कमा जीरो। अब देख लो फंक्शन ये जो सात लिखा है ना स्टेटमेंट में, वो उनमें से कोई एक है यहाँ पे, आप बोलोगे है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो मिल गए हैं। तो आपको पता है दो ही कंडीशन ऐसे ही छापना है और थर्ड कंडीशन आपको चेक करनी है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे द गिवन फंक्शन, फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स लिख लिया इज पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। देन नंबर फर्स्ट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस का थ्री कामा जीरो, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन होती है रोलेज थ्योरम की, एफ एक्स इज डिफ्रेंसीएबल एन ओपन इंटरवल माइनस थ्री कामा जीरो, इतना क्लियर हुआ। अब देख लो थर्ड, यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। रखो एफ माइनस थ्री यहाँ पे रखो, माइनस थ्री बाहर रखो अंदर रखो, माइनस थ्री प्लस का थ्री और ई की पावर माइनस थ्री रखो, माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन टू, समझ गए। यहाँ से जीरो बन जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। अब जीरो रखो एफ जीरो यहाँ पे रखो, जीरो 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 प्लस का थ्री और ई की पावर जीरो रखोगे टोटल जीरो, तो यहाँ से कितना मिला जीरो मिलेगा ना, इनटू करेंगे तो टोटल जीरो। तो दोनों की आंसर शीट क्या दिख रही है, इक्वल दिख रही है, आपको लिख देना दैट इज एफ माइनस थ्री इक्वल एफ जीरो। तो तीनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, तीनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। जब सेटिस्फाइड हो गई हैं तो आपको पूरी पूरी जानकारी है कि सी का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिख लो ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। अब आपको पता है सी का मान निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है, एफ डे सी इक्वल जीरो, डिफ्रेंशिएट करना है और साथ साथ एक्स के स्थान पे सी की वैल्यू आपको डालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक्स का इंटू कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स, ठीक है। बाद में रफ कर देंगे क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, ठीक है। एक्स का इंटू करके प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखो तो सी स्क्वायर प्लस का थ्री सी, ठीक है। अब सेकेंड का डिफ्रेंशिएट ई की पावर में जैसा है वैसे ही लिख लो, ई की पावर में जैसा है वैसे ही लिख लो, ठीक है। फिर अगेन करेंगे पावर का अगेन, तो क्या निकलेगा, माइनस वन अपॉन टू निकलेगा, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट यहाँ से कर लो टू सी प्लस का थ्री, फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया इक्वल जीरो। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिला, यहाँ से माइनस सी अपॉन टू की पावर में, तो सी स्क्वायर प्लस का थ्री सी और माइनस वन अपॉन टू, आगे लिखोगे या नीचे लिखोगे, लेकिन माइनस आगे आपको करना ही पड़ेगा, ये माइनस यहाँ पे लगा लो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, प्लस का टू सी प्लस का थ्री इक्वल जीरो। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लो और इसे नीचे भेज देंगे, तो एलसीएम भी नीचे भेज देंगे टू और ई की पावर में सी
अपॉन टू प्लस कर लो नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का थ्री सी, इसका इसमें इंटू करोगे तो कितना मिलेगा, फोर सी और इसका सिक्स इक्वल जीरो, इसका क्रॉस इंटू कर दो। इतना क्लियर हुआ ना, एक बार फिर रिपीट कर दें। देखो जैसे पावर प्लस बनाओ तो ये नीचे आ जाए, ठीक है, निगेटिव पावर है ना, प्लस बना ली। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो ये निगेटिव का इंटू कर दिया, यहाँ पर माइनस कर लो, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर माइनस का थ्री सी, फिर एलसीएम ले लिया, ये यहाँ पे इंटू कर लिया, फोर सी प्लस का सिक्स। अब क्लियर हुआ, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस इंटू करके इसे जीरो बना देना है, और यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर, फिर देखो ये प्लस का कितना मिलेगा सी, ठीक है, और प्लस सिक्स इक्वल जीरो। अब क्या करना है, निगेटिव का इंटू कर दो, निगेटिव का क्या कर दो, इंटू करके फिर फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर थ्री टू जा, थ्री टू जा हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है। सी कॉमन ले लो तो सी माइनस का थ्री प्लस का टू, सी माइनस टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। इतना नोट करो, इसको रफ कर देते हैं, नोट करते रहो। तो सी माइनस का थ्री फिर क्या, सी प्लस का टू इक्वल जीरो, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकली थ्री और यहाँ से निकली माइनस का टू। अब देखो कौन सी वैल्यू मिलेगी इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल, जब भी आपको सी की वैल्यू मिलेगी ओपन इंटरवल में आपको चेक करना है, ठीक है। थ्री माइनस टू मिलेगा इसमें, तो ये थ्री प्लस का मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसे काट दो, क्योंकि जीरो के लेफ्ट है, तो निगेटिव की सारी वैल्यू इसमें है, तो पॉजिटिव लाई नहीं करेगा ना, माइनस टू कर जाएगा, क्योंकि माइनस टू के बाद ये माइनस थ्री मिलता है, तो सी की वैल्यू माइनस टू मिल गई, तो जो मिली है इंटरवल में, ठीक है, उसे ही लेना है और इसे हाईलाइट कर देना है, जिससे आपको नंबर मिले उसे हाईलाइट करना है, इतनी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसको रफ कर दें, ये तो कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट, इसकी तो हम 4G ट्रिक बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी तो 4G ट्रिक बता देंगे। देखो सी की वैल्यू निकालना है, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सी की वैल्यू तभी निकलेगी जब तीनों कंडीशन क्या हों, सेटिस्फाइड हो रूल एज की, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएंगी क्योंकि पॉलीनोमियल है, और m और n क्या हैं, r पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव पावर है, तो ये पॉलीनोमियल है, तो 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल के बता देते हैं सी की। वैसे तो निकालेंगे बेसिक से, 4G ट्रिक से देख लो, जब भी आपको इस टाइप से कहीं दिख जाए, जैसे इसके रिलेटिव ये वाली है, तो कुछ नहीं करना है, n उठाना यहाँ से, a उठाना यहाँ से, n उठाना यहाँ से, a उठाना यहाँ से, इंटू करके लिख देना, फिर प्लस m उठाना यहाँ से, b उठाना यहाँ से, इंटू कर देना, और नीचे प्लस कर दो n प्लस m, चाहे m प्लस n लिख दो, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई। बात करेंगे इसकी, देखो 4G ट्रिक हम आपको बताते हैं, जैसे 2 यहाँ से उठाओ, b यहाँ से उठाओ 2b, फिर प्लस 3 यहाँ से उठाओ, a यहाँ से उठाओ 3a, अपान में प्लस कर लो, यही प्लस कर लो, पावर 3 प्लस 2 5, ये आंसर शीट आ गई। मज़ा आया ना, ये 4G ट्रिक है, इतनी ही निकलेगी जब बेसिक से निकालेंगे ना, इतनी ही निकलेगी। चलो भाई कौन सा है, थर्ड पार्ट, क्योंकि दो तो हो ही गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, थर्ड लिख लो यहाँ पे, द गिवन फंक्शन एज एफ एक्स के इक्वल लिख लो, एक्स माइनस ए की होल पावर m है और एक्स माइनस बी की होल पावर n है, और इंटरवल जो है इसका a कमा बी, ठीक है, यही है पॉलीनोमियल है, लिख लो। इफ यहाँ पे लिखो द गिवन एफ एक्स इज पॉलीनोमियल फंक्शन, लिख लो देन, ठीक है। पहली कंडीशन ऐसे ही छाप लो क्योंकि पॉलीनोमियल है ना, एफ एक्स इज
कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कमा बी। अब सेकेंड कंडीशन में ओपन इंटरवल लेना है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कमा बी। थर्ड कंडीशन एफ ए की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पे ए तो ए है, यहाँ पे रखो ए माइनस ए की होल पावर एम, ए माइनस बी की होल पावर एम। सॉल्व करो, यहाँ से जीरो मिलेगा, टोटल इनटू करेंगे जीरो ही रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एफ बी, यहाँ पे बी रखो बी माइनस ए की होल पावर एम, यहाँ पे बी रखो बी माइनस बी की होल पावर एम। अब यहाँ से जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा जीरो का, इसमें इंटू करेंगे जीरो हो जाएगा। तो दोनों की आंसर शीट क्या निकली? सेम निकली ना। तो ये भी कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। तो रोलेज थ्योरम की तीनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। जब सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो आपको पूरी पूरी जानकारी है कि सी का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिख लो ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम, ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। ठीक है। अब सी की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमें फार्मूला लगाना है। नोट करते रहो, इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अगली क्लास चलेगी अगली एक्सरसाइज की, इस क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड लगा लो इसमें, तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखो, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड का क्या हो गया डिफरेंशिएट। ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट। समझ गए? फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट। अगेन करोगे वन निकलेगा, तभी नहीं किया। अगर इसका दोबारा करोगे ना, इसका x माइनस बी का, तो x का वन और b का जीरो, तो वन निकलेगा, तो इसीलिए नहीं किया। फिर प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, पावर आगे एक पावर कम कर दी, और x के स्थान पे आपको c रखना है। अगर अगेन करोगे ना इसका, तो कितना निकलेगा वन माइनस जीरो, वन निकलेगा, तो इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल जीरो कर लो। अब आपको कॉमन लेना है लेस पावर, आपको लेस पावर देखना है। c माइनस ए है, c माइनस ए है, ये m है, यहाँ पे m माइनस वन, लेस पावर ये है। तो c माइनस ए की होल पावर m माइनस वन ले ली। अब c माइनस बी की देखो लेस पावर, जब भी आपको कॉमन लेना पड़े, चाहे वेरिएबल की बात करें चाहे न्यूमेरिकली वैल्यू की बात करें, पावर हमेशा लेस ही कॉमन ली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे लेस पावर हम कॉमन ले रहे हैं, n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे n बच जाएगा, और क्या बचेगा? यहाँ पे देखो, एक माइनस करो एक प्लस करो, क्योंकि आपने m माइनस वन कॉमन लिया, एक माइनस किया एक प्लस किया, प्लस वाला ये यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का m, यहाँ पे क्या बचेगा? जैसे n माइनस वन बनाओ, माइनस वन प्लस वन, तो n माइनस वन तो कॉमन चला गया, प्लस वन जो बचा है यहाँ पे वही लिख लो c माइनस वी। ठीक है, और इक्वल जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से c माइनस ए की होल पावर m माइनस वन और c माइनस बी की होल पावर n माइनस वन। अब इसे देखो कैसे लिखना है, क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालना है। तो c देखो कॉमन लेना है आपको c, तो यहाँ से क्या मिलेगा n, और यहाँ से प्लस का m। ठीक है, माइनस का n a। ठीक है, कॉमन ले लो ऐसे करके, माइनस ले लो तो एन ए, प्लस का एम बी। ठीक है, अब वैल्यू निकालो। जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कैसे निकालेंगे देखो, c माइनस ए की होल पावर m माइनस वन इक्वल जीरो। ये पावर हम जीरो को देंगे फ्रैक्शन में, तो जीरो की पावर बना वन m माइनस वन, तो जीरो रहेगा। तो c इक्वल कितना निकलेगा? यहाँ पे a निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं a, और यहाँ पे b, और यहाँ पे इसको उस साइड लेके जाएंगे, एन ए प्लस का एम बी अपान में n प्लस का m। अब देखो कौन सी वैल्यू लाई करेगी ओपन इंटरवल में, पहले इतना नोट करो। देखो जैसे बात करें ओपन इंटरवल, ये रहा
तो ये तो लाई नहीं करेगी क्योंकि ये बाउंड्री पर मिल गए, तो बाउंड्री पर जो वैल्यू मिलती है क्लोज इंटरवल में ली जाती है, ओपन इंटरवल में नहीं ली जाती है, समझ गए। बिटवीन देखना, ओपन इंटरवल के बिटवीन ये मिल जाएगी, एन ए प्लस का एम बी अपॉन में एन प्लस का एम, समझ गए, ये मिलेगी ए कामा बी में। मेरे प्यारे बच्चों इसको रेशियो भी बोलते हैं, एम रेशियो एन, इसको एम रेशियो एन से भी लिखा जाता है क्योंकि सेक्शन फार्मूला है ये, क्या है सेक्शन फार्मूला, अंता विभाजन और बाह्यता विभाजन, ठीक है। सेक्शन फार्मूला मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली, हिंदी में बोलते हैं अंता विभाजन और बाह्यता विभाजन। तो ये क्लियर हुआ, पहले हमने 4G ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताई थी 4G ट्रिक, यही आंसर सीट निकली थी, हमने बोला था कैसे देखो एम एन का ए में इंटू कर लो, हमने कर लिया, फिर प्लस एम का बी में इंटू कर लो तो एम बी, और नीचे प्लस कर लो, देखो यही बोली थी 4G ट्रिक से, देखो एन ए प्लस एम बी अपन एन प्लस एम, तो ऐसे करके 4G ट्रिक से निकाल सकते हो C की वैल्यू, MCQ अगर मिल जाए हिट एंड ट्रायल ऐसे यूज हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप से मिले तब ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता है, मतलब यहाँ फिक्स हो, कांस्टेंट हो और पहले वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और पहले वेरिएबल हो, बीच में माइनस ही होना चाहिए, देखो है ठीक है। रिलेटिव देखो इसके बताते हैं, इसके रिलेटिव जो है उसको भी सॉल्व करवाते हैं, सेम होगी ऐसे ही सॉल्व, तो इसको हम हटा देते हैं। तो रिलेटिव में क्या होगा ऐसे ही लिख लो, द गिवन फंक्शन एज, द गिवन फंक्शन एज fx, देख लो रिलेटिव यही वाली तो है, ठीक है। x माइनस a की होल पावर कितनी है 2 है, और x माइनस बी की होल पावर 3 है, इंटरवल देख लो x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये पॉलिनोमियल है, लिख लो द गिवन fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है देन, तो दो कंडीशन आपको ऐसे ही छापना है, ये जानकारी आपको हो चुकी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल के लिए कंडीशन लिख लो, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। थर्ड कंडीशन देख लो, या फिर ए की वैल्यू निकालो, ठीक है, ए माइनस ए की होल पावर 2, ए माइनस बी की होल पावर 3 इक्वल 0, क्योंकि रिलेटिव प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये रिलेटिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसके रिलेटिव है इसके, बी माइनस ए ठीक है होल पावर 2, फिर यहाँ पे बी माइनस होल पावर 3, यहाँ से 0 बन जाएगा, इंटू करेंगे 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आंसर शीट निकली है सेम निकली है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाइड हो गई। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है ऑल कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अब फार्मूला लगा लो, क्योंकि जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो सी की वैल्यू निकालना पड़ती है, ये जानकारी आपको हो चुकी है। प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्या लगाना है प्रोडक्ट रूल लगाना है, लगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लिख लें तो जल्दी हो जाएगा, x माइनस बी की होल पावर 3, फर्स्ट और सेकंड लगा लो, फर्स्ट को ऐसे ही लिख लो c माइनस ए की होल पावर 2, ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट कर लो इसका, 3 आगे कर लो 1 पावर लेस कर लो, अगेन करोगे 1 निकलेगा, ना करो डिफ्रेंशिएट, फिर प्लस इसको ऐसे लिख लो होल पावर 3, इसका
टू आगे कर लो और पावर एक लेस कर लो, ठीक है। अब इसका अगेन करोगे बन निकलेगा, ना करो, समझ गए। एक साथ दो काम करना है, डिफ्रेंशिएट भी करना है और एक्स के स्थान पे सी भी रखना है। अब कॉमन देख लो, सी माइनस ए और सी माइनस बी, देखो सी माइनस ए, सी माइनस ए, यहाँ पे टू पावर, यहाँ पे वन, तो आपको वन लेना, लेस पावर ही कॉमन लिया जाता है या कह सकते हैं लेते हैं। अब देखो सी माइनस बी, देखो यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, तो लेस पावर कॉमन ली जाती है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे वन पावर ले ली ना, वन बच गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस का टू, सी माइनस ए तो पूरा पूरा चला गया, इसकी वन पावर बच गई, बचा लो इक्वल जीरो, तो सी माइनस ए और यहाँ पे सी माइनस बी की होल पावर टू, यहाँ पे सी सी जोड़ लो, टू सी और थ्री सी, फाइव सी हो गया, माइनस यहाँ पे गया थ्री ए और प्लस टू बी, सी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकलेगी ए और यहाँ से निकलेगी बी और यहाँ से थ्री ए प्लस का टू बी अपन फाइव, तो ये तो मिलेगा नहीं, इंटरवल में लाई नहीं करेगी, ये वाली कर जाएगी, इसको रफ कर दें, सी इक्वल थ्री ए प्लस का टू बी अपॉन फाइव, ये बिलोंग कर जाएगी इसमें। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे करेगी, हमने आपको बताया इसे यम रेशियो यन से इस वाले को लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखोगे, पावर देख लो, पावर देख लो, यम रेशियो यन लिखते हैं तो टू रेशियो थ्री ऐसे लिखा जाएगा, तो ये सेक्शन होता ना, एक लाइन कोई भी डिवाइड करो तो टू और थ्री, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया, जैसे यहाँ पे ए ले लो और यहाँ पे बी ले लो, या ए का बी ले लो, कुछ और पॉइंट है, मतलब इसके बिटवीन ही रहेगा ना, समझ गए, ऐसे समझ लिया करूँ, नहीं आपकी कन्फ्यूजन रहेगी कि ये कैसे बिलोंग करेगी इसमें, सेक्शन फार्मूला है भाई, इसलिए इंटरनली नाम लिखा है, एक्सटर्नली लिखा है, क्लास टेंथ की बात करें इलेवेंथ में भी है, और वेक्टर की बात करें ट्वेल्थ में उसमें भी है, तो कई जगह आपने पढ़ा है, दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे एग्जांपल थर्ड देख लो, क्या देख लो, एग्जांपल थर्ड में क्या बोला है, डिस्कस करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेज थ्योरम टू द फॉलोइंग फंक्शन, कितने हैं, वन टू थ्री फोर, चार हैं, ठीक है। फर्स्ट लिख लो पहले, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल लिख लो, मोड दिया गया है, इंटरवल लिख लो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस वन गाँव वन, ठीक है। अब बताओ ये मोड वाला जो दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन, ये उसमें मिला है, जो स्टेटमेंट में हमने सात फंक्शन लिखवाए है, नहीं मिला ना, तब आपको सेकंड कंडीशन करना तो सारी की सारी हैं, लेकिन पहले हमने आपको बताया सेकंड करो, अगर सेकंड हो जाएगी फिर फर्स्ट करेंगे, बाद में फिर थर्ड करेंगे, लास्ट में अगर ये नहीं हो पाती है तो यहीं पे छोड़ देते हैं, डिफ्रेंसिबिलिटी चेक कर लो। तो डिफ्रेंसिबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल आपको लेना है, मतलब माइनस वन और वन के बिटवीन एक वैल्यू आपको लेना है, माइनस वन और वन नहीं ले सकते हो, क्योंकि ओपन इंटरवल में बिटवीन वैल्यू एक ले लो, कोई सी ले लो, तो हमने जीरो ले ली, इसके बिटवीन कोई सी ले लो आपकी मर्जी, लेना बिटवीन ही है, तो माइनस वन कहाँ वन, ठीक है। निकालो आर एच डी, क्या निकालो, आर एच डी, आर एफ डेस जीरो, फार्मूला तो पता ही है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो अपॉन एच, इतना नोट करो जल्दी। अब वैल्यू निकलवाते हैं, देख लो आगे नेक्स्ट लाइन में क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, अगर सॉल्व करोगे तो एच मिलेगा, तो एच ही रख दो, ठीक है। अब माइनस एफ जीरो, एफ जीरो यहाँ पे रखोगे मोड जीरो अपॉन में एच, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो मोड एच क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, इसीलिए ये भी ऐसे लिख दिया। सॉल्व करें लिमिट एच टेंस टू जीरो, सॉल्व करेंगे एच अपॉन एच, तो क्या मिला, वन मिला, क्योंकि एच खत्म हो गया, लिमिट काम नहीं करेगी, तो इसकी आंसर रेट क्या निकल गई, आर एफ डेस
जीरो की वन निकल गई। अब हम एल एफ डैश की निकालते हैं। चलो भाई एल एफ डैश की निकालो, यहीं पे हम काम कर लेते हैं, यहाँ पे एल कर देते हैं, यहाँ पे एल कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या कर देते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस, ये तो पॉजिटिव देगा ये नेगेटिव देगा, नीचे तो माइनस रहेगा, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो बताओ माइनस वन निकले या नहीं, तो इसकी आंसर हीट माइनस वन निकली, तो इसकी आंसर हीट प्लस वन, इसकी माइनस वन, तो सेकेंड कंडीशन होगी नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब आपको लिखना है, दो लाइनें लिखना है कैसे, देखो हम आपको बताते हैं, दो लाइनें लिखना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिख लो इफ इफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, आर एफ डैश जीरो इक्वल है नहीं है एल एफ डैश जीरो के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल जीरो बिलोंग्स टू माइनस वन कहो वन। तो मेरे प्यारे बच्चों हैंस करके आपको लिख देना है, क्या लिखना है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। यहीं पर आपको छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि जब सेटिस्फाइड नहीं है सेकंड कंडीशन, सी की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, सी की वैल्यू तभी निकाली जाएगी जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं रोलेस थ्योरम की, तभी सी की वैल्यू निकाली जाती है, ऐसे नहीं निकाली जाती है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, नोट करो। अब इसका नेक्स्ट, थर्ड का सेकंड देख लो, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटरवल लिख लो 2, 3, 2, 3, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्स की पावर पॉजिटिव है। तो ये तो मिल गया, उन सात जो लिखाए थे ना स्टेटमेंट उनमें से एक है, तो है दो कंडीशन है, आपको ऐसे ही छापना है, थर्ड कंडीशन आपको चेक करना है। तो लिख लो द गिवन फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स लिखो, तो ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, फंक्शन यहाँ पे बाद में लिख दो फंक्शन, और यहाँ पे लिखना देन, पहली छाप लो ऐसे ही एफ एक्स, आगे आप लोग लिखो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 2, 3, सेकेंड कंडीशन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2, 3, थर्ड कंडीशन चेक कर लो, यहाँ से एक ही वैल्यू मिल जाएगी एफ टू, रखो 2 का स्क्वायर 4, 3 ले लो यहाँ से, 3 यहाँ पे रख दो, 3 का स्क्वायर इक्वल 9, तो थर्ड कंडीशन क्या दिख रही है, सेटिस्फाइड नहीं दिख रही है क्योंकि आंसर शीट अलग अलग है, तो दैट ही लिख लो एफ टू की आंसर शीट इक्वल नहीं है एफ थ्री के, तो यहाँ पे क्या लिख लो, थर्ड कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे क्या लिखो, थर्ड कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम इज नॉट, लिख दो इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है कंडीशन, केवल दो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई हैं और एक कंडीशन नहीं हो रही है, तो सी की वैल्यू निकाली जाएगी, नहीं निकाली जाएगी, जब तीनों कंडीशन रोलेस थ्योरम की अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो सी की वैल्यू निकाली जाती है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वहीं पर आपको छोड़ देना है, उसके आगे ना सॉल्व करो, सी की वैल्यू नहीं निकाली जाती है। ये कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड, इसका थर्ड देख लो,
थर्ड वाले में क्या बताया, टेन बताया, टेन ले लो। द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल क्या बताया, टेन। इंटरवल देख लो, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल जीरो का हो पाए। एक बात बताएं, जैसे ये फंक्शन आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लेकिन हमने जो लिखाए थे इस स्टेटमेंट में, एक साइन लिखाया था, एक क्या लिखाया था, कोसाइन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये मिल जाता, ये मिल जाता, तो दो कंडीशन ऐसे ही छाप देते, थर्ड कंडीशन चेक करते, लेकिन ये मिला है। अब आपको वन बाय वन कंडीशन आपको चेक करना है, जैसे पहली, सेकंड और थर्ड। तो हमने आपको बताया था कि सेकंड कंडीशन पहले चेक करना है, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए तब आपको वन बाय वन चेक करना है ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। जैसे साइन कॉस को छोड़ के, जैसे टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, समझ गए, वन बाय वन आपको चेक करना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। अदर कोई भी फंक्शन हो जो हम बता रहे हैं उस पर काम करो पहले इसको, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको पहली कंडीशन फिर सेकंड कंडीशन क्रम से चेक करना है। तो पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूअस है, तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, एट एक्स की वैल्यू लेंगे, कोई सी ले लो, एक्स की वैल्यू जीरो ले लो, पाई ले लो, इसके बिटवीन ले लो पाई बाई टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल पहली कंडीशन में क्लोज इंटरवल पे काम होता है। तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बिटवीन भी ले सकते हैं, कौन सी लेना है, पाई बाई टू ले लो, बिटवीन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, पहली ये कंडीशन है, ठीक है। अब निकालो एफ, एफ ए मतलब पाई बाई टू, समझ गए, रखो टेन नाइन्टी, टेन नाइन्टी की वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट, तो ये अनडिफाइंड हो गया, तो आगे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या मिल गया, अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है तो हम इसकी आंसर शीट नहीं निकालेंगे, और इसकी इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट नहीं निकालेंगे। इनका नाम तो बताइए आपको, आर एच एल बोलते हैं और इसको एल एच एल बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसकी आंसर तब निकालते जब ये डिफाइंड होता, तो डिफाइंड नहीं है तो आपको लिख देना है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट कंडीशन ऑफ रूलेस थ्योरम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ रूलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड। या फिर एक लाइन पहले इससे लिख लो, कौन सी, देखो हम आपको बताते हैं कौन सी लाइन लिखना है, अनडिफाइंड, ये तो ऐसे रखो, ये तो लिखना ही लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक्स इक्वल पाई बाई टू, एक्स इक्वल पाई बाई टू, या ऐसे लिखो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल पाई बाई टू। एक लाइन कॉन्टिन्यूअस के लिए भी लिख लो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूअस की होती है, तो फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हो चुकी है तो सी की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, यहीं पे छोड़ दो, जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो वहीं पे छोड़ दो, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लो, देख लो यहाँ पे कौन सा है, इसी का पार्ट होगा फोर्थ, इसमें चार पार्ट हैं। द गिवन फंक्शन लिख लो, ये वाला, ये एफ एक्स इक्वल कॉस वन अपॉन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरवल है माइनस वन कमा वन, ठीक है, चलो वैल्यू ले लो, क्योंकि जैसा ये है टेन वाला वैसे कॉस वाला है, पहली कंडीशन चेक कर लो, एक्स वैल्यू बिटवीन ले लो जीरो, ठीक है, बिलोंग्स टू माइनस वन का वन, ठीक है, निकालेंगे एफ जीरो, रखो कॉस वन अपॉन जीरो, तो क्या मिला, कॉस इनफाइनाइट, ये भी अनडिफाइंड है, तो फंक्शन अनडिफाइंड है तो आगे काम ही नहीं करेंगे। तो लिख दो यहाँ पे, इम्प्लाई दैट एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस,
एट एक्स इक्वल जीरो, एट एक्स इक्वल जीरो, ठीक है। अब हैंस करके लिख दो, हैंस फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। आगे काम नहीं करेंगे, सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे। एग्जाम्पल थर्ड कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल उसको भी कंप्लीट करवाते हैं। लिख लो द गिवन फंक्शन, लिख लो 4, बढ़िया क्वेश्चन है, लॉग का है। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं 4, ठीक है ना। और द गिवन फंक्शन लिख लो, लॉग का है, दिख रहा होगा एफ एक्स इक्वल क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी के अपॉन ए प्लस वी इंटू में एक्स, ठीक है। अब इंटरवल ले लो, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, इंटरवल ए कॉमा वी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जीरो छोड़ के, ठीक है। अब लिख लो लॉगरिथमिक फंक्शन है भाई, स्टेटमेंट में लिखवाया था लॉगरिथमिक फंक्शन, लिखवाया था या नहीं, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो ये लॉगरिथमिक टेस्ट लिखवाया था, तो दो कंडीशन आपको ऐसे ही छाप लेना है, थर्ड कंडीशन चेक करना है। द गिवन एफ एक्स इज लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन, देन पहली कंडीशन है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, थर्ड कंडीशन चेक करना है, ठीक है। ए तो ए है ना, रखो जहाँ जहाँ एक्स है रखो, लॉग ए स्क्वायर प्लस का ए बी अपान में ए प्लस वी इंटू ए, ठीक है। ऊपर कॉमन ले लो, जैसे ही हम ऊपर कॉमन लेंगे ए, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा ना, और साथ में ये भी कट जाएगा, काटो भैया, ये पूरा पूरा चला गया, तो क्या मिला लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो, ठीक है। अब एफ बी रखो, एक्स के स्थान पे बी रख दो, ये वाली रखो भाई, जल्दी रखो, लॉग बी स्क्वायर प्लस का ए बी के अपान यहाँ पे ए प्लस बी इंटू बी, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग बी कॉमन ले लो, तो बी प्लस का ए अपान में ए प्लस बी इंटू बी, तो ये कट गया, लॉग वन की आंसर हीट क्या मिलेगी जीरो, तो दोनों आंसर हीट क्या निकले सेम, तो एफ ए इक्वल एफ बी, तीनों कंडीशन क्या हो गए सेटिस्फाइड हो गए। सी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिख लो ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड हो गई। सी की वैल्यू निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको पूरी जानकारी है कि एक साथ दो काम होते हैं, डिफ्रेंशिएट भी होगा और एक्स के स्थान पे सी की वैल्यू भी रखी जाएगी। फार्मूला देख लो, एफ डैश सी, यही फार्मूला है सी की वैल्यू निकालने के लिए, लॉग एक्स क्या होता है 1/x, हम रख देते हैं 1/ में जो भी है, और एक साथ दो काम, एक्स के स्थान पे आपको सी भी रखना है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू में सी, ये नीचे आ गया, अब किसका दोबारा करना है इसी का, तो सी स्क्वायर प्लस का ए बी अपान में ए प्लस वी इंटू सी, ठीक है, इक्वल जीरो, ये ऊपर पहुंच जाएगा ए प्लस वी इंटू सी के बटे सी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। ये बाहर निकालो, ए प्लस बी बाहर निकालो, ठीक है, जिसमें सी है उसी को बाद में लिखो, उसी का डिफ्रेंशिएट होगा। एलसीएम वापस दे दो, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं,
उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। सी एलसीएम वापस दे दिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी कट गया, सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, डी अपॉन डी सी काट लो, सी प्लस का ए बी के अपॉन सी। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, इसको रफ कर दें, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे ही लिखो, यहाँ पे आ जाओ वन, और वन अपॉन सी का क्या होता है, ये तो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है ना, ये होता है नीचे पावर बढ़ती है, नीचे पावर इंक्रीज होती है डिफ्रेंशिएट में और ऊपर पावर डिक्रीज होती है। तो माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, ठीक है। अब एलसीएम लेके वैल्यू निकाल दो, एलसीएम लेके क्या निकाल दो, वैल्यू। तो सी स्क्वायर माइनस का ए बी, एलसीएम जो सी स्क्वायर मिला यहाँ पे लिख दो, और ये वाला सी स्क्वायर प्लस का ए बी इक्वल जीरो, क्रॉस इंटू कर दो। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो देख लो सी सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल जीरो, ठीक है। सी की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिल जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस रूट ए बी। तो सी की वैल्यू कितनी मिल रही, तीन मिल रही। अब देखो कौन सी लाई करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसने क्या बोले, जीरो छोड़ना है, हटा दो। अब इंटरवल देखो, ओपन इंटरवल यही तो है, तो मतलब इंटरवल अगर देखा जाए पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू छोड़ दो, पॉजिटिव वाली लेना है, ठीक है। इसको हटा दें, पॉजिटिव लेना है, यही लाई करेगी इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। रूट ए बी बिलोंग्स टू ए का बी, और जिस पे आपको नंबर मिले उसे हाईलाइट कर दो, जिस पे आपको नंबर मिले उसे हाईलाइट कर दो। एक एग्जांपल और बचा है उसको भी करवा देते हैं, नोट करो उतना, तब तक हम यहाँ पे लिखते हैं। लास्ट एग्जांपल है, हमने पहले ही बताया है कि इस क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी। एक एग्जांपल और देख लो, बढ़िया है एग्जांपल, क्या है, बढ़िया है एग्जांपल, फाइव होगा ना, नंबर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, फाइव। ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन जीरो कॉमा वन, आगे लिखा एज फॉलो एफ एक्स इक्वल वन, फिर बोला फॉर कंडीशन टू, फॉर कंडीशन, ठीक है। आगे लिखा है सो दैट एफ सेटिस्फाइड, एफ सेटिस्फाइड नॉन ऑफ द कंडीशन ऑफ रूलेज थ्योरम, लिखा एट एफ डैश एक्स इक्वल जीरो। इसे रफ कर दें भाई, ये लो, फिर क्या लिखा है आगे देख लो, फॉर मैनी पॉइंट्स इन जीरो कॉमा वन, ये एग्जांपल है, ये क्लोज इंटरवल है, लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्व करवाते हैं, एग्जांपल समझ लो, फिर उसके बाद आपको गिवन फंक्शन लिख लेना है। एग्जांपल फाइव की बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई आ रही, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इक्वल, लिख लो, फिर बताते हैं आपको करना क्या है। मिडिल ब्रैकेट वन कंडीशन जीरो लेस देन इक्वल एक्स लेस देन वन अपॉन टू, टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड इतना एज फॉलो सो दैट सेटिस्फाइड नन ऑफ कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम, नन लिखा है भाई। तो पहले बोला है कि देख लो कंडीशन सो दैट, कौन सी ये वाली, एफ डैश एक्स इक्वल जीरो फॉर एनी पॉइंट्स जीरो कॉमा वन। तो आपको पता है इस टाइप का जो फंक्शन है ना, ये तो हमने स्टेटमेंट में नहीं लिखाया था, नहीं लिखाया था। सेकंड कंडीशन आपको चेक कर लेना है,
ठीक है। सेकंड कंडीशन चेक करो, आई एट एक्स इक्वल ले लो, क्योंकि इंटरवल अगर बात करें जीरो का वन है, और सेकंड जो कंडीशन होती है ओपन इंटरवल पे काम करना है, तो वैल्यू लेना है जीरो और वन के बिटवीन। तो जीरो और वन के बिटवीन यही तो है वन अपॉन टू बिलोंग्स टू जीरो का वन, ठीक है। आर एच डी निकाल लो, क्या निकाल लो, आर एच डी, आर एफ डेज वन अपॉन टू इक्वल लिमिट, फार्मूला तो याद है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एच रखो यहाँ पे, यहाँ पे रखो वन अपॉन टू अपॉन में एच, ठीक है। चलो भाई वैल्यू निकाल दो, कहता है वन अपॉन टू प्लस एच है, प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, ये ट्रिक है। तो वन अपॉन टू देखो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो देख लो प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो। अब आपको देखना है ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनक्वालिटी एक्स की तरफ देख रही है, ये देख रही है, तो ये इसमें लाइक कर रहा है, इसमें लाइक किया तो इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी टू। इसकी वन अपॉन टू इक्वल देख लो कहाँ है, यहाँ है, इसकी भी टू मिल गई अपॉन एच, ठीक है। इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर जीरो नीचे जीरो, सॉल्व करेंगे बाद में लिमिट की वैल्यू रखी जाती है, ये आपको जानकारी है। पहले लिमिट के बाद में जो भी है उसको सिंपलीफाई किया जाता है पहले, उसके बाद जो बचेगा उसमें लिमिट यूज करेंगे। तो अभी सिंपलीफाई कहाँ हुआ है, अब हुआ है, अब लिमिट रखो, तो लिमिट रखोगे आंसर जीरो तो आई, तो आर एफ डैश वन अपॉन टू की आंसर क्या निकली, जीरो निकली, ठीक है। अब हम इसी में काम करेंगे, एल एच डी की वैल्यू निकालते हैं, एल एफ डैश कर देते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखो माइनस है तो क्या ट्रिक हमने आपको बताई, देखो प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हो। अब आपको देख लेना ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनक्वालिटी एक्स की तरफ नहीं देख रही है, तो ये तो देख रही है एक्स की तरफ, ये नहीं देख रही है एक्स की तरफ, और देखना कहाँ पे, देखना वहीं पे है जहाँ पे वन अपॉन टू है, ये वाला है, यहाँ पे, यहाँ पे, इतना देखना है, इतना पीछे नहीं देखना है, इतना देखना है। तो ये देख रही है, ये नहीं देख रही है, और माइनस पे क्या होता है, ना देखती हो, और प्लस पे क्या होता है, देखती हो। ये दो ट्रिक हैं आपको समझ लेना है। तो ये इसमें लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी वन, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो वन वन अपॉन टू की वैल्यू कहाँ, यहाँ से ले लो, वन अपॉन टू इक्वल है ना, टू ले लो अपॉन में माइनस एच, समझिए। कोई डाउट हो तो पूछो भाई, कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो, कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर क्या मिला माइनस वन और नीचे एच, सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन जीरो, आंसर इनफाइनेट आई। मेरे प्यारे बच्चों इसकी आंसर शीट इनफाइनेट आई है, उसकी आपको पता ही है, अनइक्वल आंसर शीट आई है, अनइक्वल आई है तो आपको पता है सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉट सेटिस्फाइड। चलो दो लाइनें लिखवाते हैं इसके बाद, क्या लिखवाते हैं, दो लाइनें आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है, इफ आर एफ डेस वन अपॉन टू की आंसर शीट इक्वल नहीं है एल एफ डेस वन अपॉन टू के, तो यहाँ पर लिखना है देन एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंसीएबल, ये डिफ्रेंसीएबल नहीं है एट एक्स इक्वल वन अपॉन टू, एट एक्स इक्वल वन अपॉन टू। अब हैंस करके लिख दो, क्या लिख दो, हैंस करके लिख दो, क्या सेकेंड कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड, सेकेंड कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड नहीं है, तो सी की वैल्यू निकाली जाएगी, नहीं निकाली जाएगी, यहीं पर छोड़ दो। तो मेरे प्यारे बच्चों तो 7.1 फुल्ली कंप्लीट हो गई। अगर कोई और भी आपके पास अगर क्वेश्चन हो या फिर एग्जाम्पल हो कमेंट में ज़रूर बताना, अगली क्लास में उसको सॉल्व करवा देंगे।
अब एक्सरसाइज 7.2 लाएंगे, उसका गर्दा उड़वाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।